बनाने जा रहे हैं तिरामिसू विदाउट एग। उसके लिए ये थोड़ा सा पानी लेंगे, ठीक है। इसमें पानी में जो है ना हम ये चीनी डालते हैं थोड़ी सी, ब्राउन शुगर आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्राउन शुगर डाली और ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, ठीक है। इसके जो है ना 2 टेबलस्पून हम डाल लेते हैं, ये फौरन ही हल हो जाती है। इसमें ना पानी थोड़ा सा आप चाहे कम ले लें, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मुझे 2.5 जो है ना मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करके इसको हम एक साइड पर रख लेते हैं। क्रीम बनाने के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ये भी मैंने फ्रिज में रखी, इसको भी ठंडा कर लिया था क्योंकि गर्मी है आजकल। ये क्रीम है, विप क्रीम है, विदाउट शुगर है, ये मस्कारपोने है, और ये वनीला है, और ये पाउडर शुगर है, ठीक है। अब आपको बताती हूँ क्या। ये ऐसे एक बाउल ले लें, बाउल में ये क्रीम डालें, विप क्रीम, ठीक है। सारी ये 200 ml की क्रीम है, और 250 का जो है ना ये मस्कारपोने चीज़ है। आप अगर आपके पास मस्कारपोने नहीं है तो आप क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़। ये हम दोनों को ऐड कर लेंगे इसमें, इसको भी, और इसमें हम पाउडर शुगर डाल के तो हम इसको बीट करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों को। ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी होनी चाहिए जो है ना, ओके, ठंडी होंगी तो फिर अच्छे से बीट होंगी, ठीक है। इसमें अब पाउडर शुगर डालती हूँ और वनीला एसेंस, ठीक है, ये वाला। अब वनीला एसेंस डालते हैं, ये इस तरह थोड़ी वनीला ये डाल के, तो मैं ये तकरीबन 450 जो है ना बन गया सारी चीज़ें मिला के। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून डाल देती, फिर मैं इस चेक कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और पाउडर शुगर के ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसमें ये वनीला एसेंस भी डाल दें 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। अब हम इस सारी चीज़ों को मैं ना बीट कर लेती हूँ इसके साथ। मुझे इसमें शुगर जो है ना कम लग रही है, तो मैं 1 टेबलस्पून और ऐड करूँ, यानी कि 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर के मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। वैसे भी इसका ये अंदाज़ा होता है कि जितने 100 ग्राम है आप उतने शुगर डालें। ये देखिए ये अच्छे से बीट हो गया, ठीक है। ये देखिए कैसा क्रीम बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। अब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ इतनी देर, मैं दूसरी चीज़ें तैयार करती हूँ, इसको हम पाइपिंग बैग में डालेंगे, ठीक है। इसको फ़ौरन फ्रिज में रखते हैं जब तक अगर आपने यूज़ भी करना, ठीक है। ये जो है ये फिंगर बिस्किट है, ये हम इसमें कॉफ़ी में डिप करके फिर इसको ऐसे लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे, ठीक है। ये क्रीम जो है ना मैं ये क्रीम मैं पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ, फ्रिज में मैंने रखी, देखी ये ऐसी क्रीम है, इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ फिर बता। इसको हम आगे से थोड़ा सा काट लेते हैं, ठीक है। ये देखिए या फिर आसानी से जो है ना ये आ गए इसमें। आप इसको किसी बाउल में भी बना सकते हैं, कंटेनर में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास है, तो लेकिन मैं ग्लास में बना रही हूँ तो क्योंकि ऐसे ज़रा सर्व करने में अच्छा रहता है। इसके 2 पीस कर लेंगे, ग्लास का साइज़ छोटा है। इसमें डिप करें अच्छे से कॉफ़ी में, ठीक है। इसके तो नीचे ऐसे सेट करें, चम्मच को निकाल देते हैं, ठीक है। सारी इसके अच्छे से जो है ना फिल कर लें इसको, इसको प्रेस करके। अब ये जो क्रीम है ये ऐसे सारी ज़रा ये पाइपिंग बैग में डालने से ज़रा इजीली जो है ना इसको क्रीम अच्छी से लग जाती है। वैसे तो आप इसको स्पून के साथ भी डाल सकते हैं या जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। डाल के अब हम इसको दोबारा उसकी लेयर लगाएंगे, इसको ऐसे ज़रा लेवल कर लें, बिस्किट की लेयर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम जो है ना फिर क्रीम लगाएंगे ये, ठीक है। इसका ये मैंने ये चॉकलेट ऐसे क्रश सी कर लिया, इसको उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है, ठीक है।
अब हम इसके ऊपर जो है ना दोबारा बिस्किट की लेयर लगाते हैं। अगर आपके पास ये फिंगर बिस्किट नहीं है तो आप स्पंज, जो सिंपल स्पंज केक होता है, वो भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना यही क्रीम की लेयर लगाते हैं अच्छे से सारी, उसको स्पून से लेवल कर लें, इसको लेवल करके फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना। देखिए ये मैंने 4 ग्लास इसके साथ तैयार कर लिए हैं, ये देखिए ये देखो ऐसे, ठीक है। अब एक और पाइपिंग बैग ले लें और ये इस शेप का जो है ना ये नोजल ले लें और इसमें हम क्रीम डाल के इसके ऊपर अब छोटे छोटे फ्लावर बनाते हैं। इसको नोजल को हम बिल्कुल आगे से कट कर लेंगे, ठीक है, इसका जो इधर से इस इसको अच्छे से कट करके फिर ये मैं इसको आगे लेकर आती हूँ। ये देखिए ये अब हम इसके ऊपर ना छोटे छोटे फ्लावर बना लेते हैं डेकोरेशन के लिए। ये देखिए ये अब कैसे खूबसूरत फ्लावर बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम सारे इसके ऊपर बना लेंगे, सब ग्लास के ऊपर। ये सारी फुल, ये जो जितनी मैंने क्रीम बनाई थी ना ये सारी यूज हो गई है, ठीक है। 450 बनी थी तकरीबन टोटल। सारे मैंने ऐसे कर लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसे ये चॉकलेट स्प्रेड करें जो मैंने क्रश की हुई है, अगर आपके पास है करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप कोको पाउडर लेके ना तो उसके उसको फिर जो है ना हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, ठीक है। कोको पाउडर है, ठीक है, इसको इसमें छाननी में डाल के तो इसके ऊपर हम ऐसे फिर स्प्रेड कर लेते हैं। ये छाननी में डालें कोको पाउडर, ये डार्क कोको पाउडर है तो आप लाइट वाला भी ले सकते हैं, हल्का सा ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर ऐसे ऐसे सारा इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। इसको अब मैं 2 घंटे के लिए, इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, ठीक है। फिर जब मैं इसको सर्व करूँगी कैसे बन गया, अब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, फिर जब सर्व करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखें ये तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।